सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा जो कर रही है वो सही नहीं कर रही है। अब ऐसा आई क्या कर दिया मैंने? अब ये भी मुझे ही बताना होगा। तू मेरी बात समझ नहीं रही है या समझना नहीं चाहती है? अर्जुन, मैं तेरी आई हूं। तू जिस दौर से गुजर रही है मैं समझ रही हूं बेटा, लेकिन अब जयवन के साथ तेरी सगाई हो चुकी है और इस रिश्ते का नियमों का पालन तुझे करना होगा। अर्जुन, तू मेरी बात सुन रही है कि नहीं? हाँ, सुन भी रही हूँ और समझ भी रही हूँ। एक सवाल है मेरे में, वो आई जो हमेशा मुझसे कहा करती थी कि अर्जुन, अगर कभी भी किसी को भी मदद की जरूरत पड़े ना, तो उसकी मदद बेझिझक कर, क्योंकि जो दूसरों की मदद करते हैं बप्पा उनकी मदद करते हैं। बस आई वही समझ नहीं पा रही हूं कि मेरी वो आई जो मुझसे ये सब कहा करती थी, आज उसका नजरिया इतना क्यों बदल गया? नजरिया वही है अर्जुन, हालात बदल गए हैं। पहले जो मैं तुझे बताती थी वो इंसानियत की बात थी, और अब जो तुझे समझा रही हूं वो दुनियादारी की बात है। जो इंसान की जिंदगी में पहले अपने आते हैं, बाद में पराए। पहले रिश्ता आता है, बाद में दोस्ती आती है। और एक औरत की जिंदगी में पहले पति आता है और बाद में सब कुछ। और अब जयवंत तेरा पति है। मैं जानती हूं, लेकिन ये सारे नियम मेरी जिंदगी के लिए लागू नहीं होते, क्योंकि मेरे लिए वो रिश्ते ज्यादा मायने रखते हैं जो मानव से जुड़े हैं, और बाकी सारे बाद में। अर्जुन, तू क्यों जिद कर रही है बेटा? आई जिद तो तू भी कर रही है। तू जानती है कि मैं मानव को ऐसी हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती, लेकिन फिर भी तू मुझे वही करने के लिए मजबूर कर रही। मैं मानव को अकेला छोड़ने की बात नहीं कह रही हूं अर्जुन, मैं बस इतना कह रही हूँ कि कम से कम एक दूरी तो उससे बनाए रख। दूर तो मैं उनसे हो चुकी हूँ। तू क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। मैं बस इतना जानती हूँ कि बहुत मुश्किल के बाद तेरे लिए एक अच्छा रिश्ता आया है, जिसके कारण तेरा भविष्य संवरने वाला है। अगर ये रिश्ता भी टूट जाएगा ना, तो तेरी जिंदगी बिखर जाएगी बेटा। और ऐसा मत होने देना, मत होने देना।
बाकी तू तो समझदार है, जो भी करेगी सही करेगी। मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मैनेजमेंट हाय हाय, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये सब क्या काम करो तो? सॉरी सर, लेकिन काम तभी शुरू होगा जब मानव खुद यहाँ आकर मशीन स्टार्ट करेगा। मजदूर यूनियन मतलब साफ है सर, मानव को छोड़ाइए, उसे आदर और मान सम्मान के साथ वापस काम पर रखिए, तभी स्ट्राइक टूटेगी। मजदूर यूनियन जी, हम कोशिश कर रहे हैं। तुम जानते हो कि मानव के ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं वो झूठ है सर, सब झूठ है, और ये बात आप भी भली भांति जानते हैं। पर अजीत, हम में से किसी के साथ भी मानव की दुश्मनी नहीं, हम उसकी अच्छाइयां जानते हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। जो भी फैसला होगा वो कानून के दायरे में होगा, इट विल टेक टाइम। आप लोग काम शुरू कीजिए, मैं वादा करता हूँ। वादा नहीं सर, वादा नहीं, हमें मानव चाहिए, मानव मानव चाहिए, मानव चाहिए। सॉरी सर, जिस तरह का बर्ताव मैनेजमेंट ने मानव के साथ किया है उसके बाद हम मैनेजमेंट पर भरोसा नहीं कर सकते। आज मानव के साथ अन्याय हुआ, कल किसी और के साथ होगा, और इसीलिए हमने ये कदम उठाया है। द स्ट्राइक इज ऑन, मजदूर यूनियन जिंदाबाद, मैनेजमेंट जिंदाबाद, मजदूर यूनियन जिंदाबाद। सॉरी सर, सॉरी। चाहिए लेकिन आंदोलन के रास्ते से, इस तरह के हाथापाई मारधाड़ ये रास्ता हमारा नहीं है। इसके बाद ऐसी गलती हम में से कोई नहीं करेगा, समझे? मजदूर यूनियन जिंदाबाद। हाँ, क्या हुआ? क्या ये? खुद ही देख लो रमेश। सतीश, बैंक ने हमारी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। क्यों क्यों? यहाँ सबकी आंखें और कान खुले, हमारी फैक्ट्री में जो भी हुआ है उसकी खबर आग की तरह फैल गई, और उसी इश्यू को लेकर बैंक ने ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया है। मैं बात करता हूँ मैनेजर से। सब करके देख चुका हूँ सतीश, और सतीश इस तरह एक एक को पकड़कर समझाने से कुछ नहीं होगा। बदनामी पूरी दुनिया के सामने हुई है तो बेगुनाही भी पूरी दुनिया के सामने साबित करनी होगी। मुझे चिंता उस लोन की नहीं है जो रिजेक्ट हुआ है, मुझे चिंता उस लोन की है जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अगर काम रुक गया तो कहां से रीपे करेंगे हम वो लोन? ये एक फैक्ट्री तो छोड़ो, बाकी की दो फैक्ट्रीज भी बिक जाएंगी। 3 साल की मेहनत 3 दिन में मिट्टी में मिल जाएगी सतीश। सतीश, 3 साल से हम साथ में काम कर रहे हैं, 3 सालों में मैंने कभी किसी मामले में तुम पर जबरदस्ती नहीं की, आज भी नहीं करूंगा। तुम खुद समझदार हो, प्रैक्टिकली सोच सकते हो हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये भी तुम समझते हो। देख लो क्या करना है। मानो की होने वाली बीवी हो ना? हाँ। तुम यहाँ मतलब कुछ काम था क्या? आपसे कुछ बात करनी थी। आओ। नहीं नहीं, ठीक हूँ। जिस घर की बहू मुझसे मेरे पति को छीने की कोशिश कर रही है उस घर में कदम तक रखना मेरे लिए हराम है। मैं समझी नहीं। यही तो प्रॉब्लम है आपकी, कि आप कुछ समझती नहीं या फिर जानबूझकर समझना नहीं चाहती। देखो पहेलियां मत बुझाओ, जो
जो भी कहना है साफ साफ कहो। तो साफ साफ सुनो, आपकी बहू के लक्षण ठीक नहीं है। वो एक तरफ तो आपके बेटे से रिश्ता जोड़ने जा रही है और दूसरी तरफ दूसरी औरत के पति के साथ। छी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप ये सब खुली आंखों से कैसे देख लेते हैं। चलिए मेरी बात छोड़िए, मैं आपकी कोई नहीं लगती। अगर वो लड़की मेरा घर तोड़ भी दे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जयवंत, वो तो आपका बेटा है ना, आपको उनकी चिंता नहीं है? आज अर्चना मानव के साथ जिस तरह रिश्ता बनाए हुए हैं, अगर कल शादी के बाद वो उसी तरह का रिश्ता कायम रखती है तो तब क्या करेंगे आप? इसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठी रहेंगी? वैसे मुझे नहीं पता था कि राणे खानदान का दिल इतना बड़ा है कि वो अपनी होने वाली बहू के नाजायज संबंध भी मंजूर करते हैं। बस बहुत बोल चुकी तुम, अब निकल जाओ यहाँ से। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपकी चौखट पर आकर सर पटकने का। मैं तो बस आपसे इतना कहने आई थी कि रात 10 बजे के बाद आपकी प्यारी बहू मानव से मिलने गई थी। क्या रिश्ता है उसका मानव से? आपको लगता है कि आपकी बहू को ये सब शोभा देता है? मैं तो बस ये चाहती हूँ कि अर्चना की वजह से जिस दौर से मैं गुजरी उस दौर से आपके बेटे जयवंत को ना गुजरना पड़े। आगाह करना मेरा काम था, बाकी आपकी मर्जी। चलती हूँ। भाई जल्दी से नाश्ता तैयार कर, मुझे लेट हो रही है। कहाँ जा रही हो अर्चना? फैक्ट्री या जेल? वैसे तो मैं फैक्ट्री जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मानव से मिलते हुए जाऊंगी। प्रभाती, आप खड़ी क्यों? आइए ना अंदर आइए। अच्छू, तू एक काम कर, तू फैक्ट्री में फोन कर दे और उनसे कह कि तू आज लेट आएगी। प्रभा काकी आई है ना, तो तेरा यहाँ होना बहुत जरूरी है। देखो अर्चना, तुम ये जो सब कर रही हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको मेरे बर्ताव से बुरा लगा तो मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती, लेकिन अगर आप ये चाहती कि मैं मानव से मिलना छोड़ दूं या फिर उनकी मदद ना करूं, ये मुझसे नहीं होगा। अर्चना, मैं तुम्हारी होने वाली सास हूं। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, इस बात को छोड़कर आप मुझसे जो कहेंगी मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मानव के बारे में अगर मुझे पापा भी कुछ आकर कहेंगे ना, तो मैं उनकी भी नहीं सुनूंगी। अर्चु, मैं मानव को इन हालातों में अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे वो आपको अच्छा लगे या ना लगे। प्रभाते, वो अर्चु जरा इस वक्त, लेकिन आप इस तरह खड़ी क्यों हैं? हम बैठकर सोच समझकर कुछ इस मसले का तोड़ निकालते हैं। आपकी बेटी ने इतनी बड़ी बात कह दी, अब भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ सोचने समझने लायक बात करने लायक बचा है? ताई, दरअसल अर्चु जिस दौर से गुजर रही है वो
वो समझ ही नहीं पा रही है कि वो क्या बोले जा रही है। लेकिन आप तो बड़ी है, आप समझदार है, आप उसे माफ कर दीजिए। मैं अर्जु के बर्ताव के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। आपको ऐसे नहीं लगता आप मुझसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद कर रही है? मानो के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं उसका एहसास है उसे, लेकिन अपने होने वाले पति के लिए क्या जिम्मेदारियां हैं ये उसे समझ में नहीं आता। मुझे तो लगता है कि वो एक एहसान की तरह हमसे रिश्ता जोड़े हुए और उसी तरह निभा रही है। आखिर ये मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। अगर आपकी बेटी की वजह से मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो, हेमी सहन नहीं करना, कभी भी नहीं। तुम्हारा कदाचित ठाउक नसेल, पर पहले मैं इस शादी से राजी नहीं थी। जब जयवंत ने मुझे बताया कि वो आपकी तलाकशुदा लड़की से शादी करना चाहता है तो मैं तो हिल गई थी, लेकिन सिर्फ अपने बेटे के लिए मैं चुप रही। फिर धर्मेश और बाकी सब लोगों ने मुझसे कहा कि अर्चना पिछला सब कुछ भुलाकर आपके घर में आएगी, आपके घर को स्वर्ग बना देगी। लेकिन आजचा तमाशा बघून मला असं वाटत तर नाही। मेरी तो सारी उम्मीदें टूट गई है। नहीं प्रभादेवी, आप ऐसा मत कहिए, मैं समझाऊंगी अर्जुन को। जरूर समझाइए, और साथ में ये भी कह दीजिएगा कि ये बात वो जितनी जल्दी समझ जाए हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा, वरना दोबारा हमें इस रिश्ते के बारे में सोचना पड़ेगा। कहूं आपसे, ये जो हो रहा है ना उसे रोकिए प्लीज। मैं जानती हूं कि इस घर में अगर मैं किसी को कुछ कहूंगी तो वो मेरी बात को पॉजिटिवली नहीं लेगा, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहूंगी आपसे, आई किसी ना किसी को अर्जु को इस बात का एहसास दिलाना पड़ेगा कि अब उसकी शादी जयवंत से तय हो चुकी है। उसकी लॉयल्टीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सब जयवंत और उसके परिवार वालों के लिए, न कि मानव के लिए। और वो अब भी मानव से मिल रही है, वजह चाहे जो भी हो। और ये बात जयवंत और उसके परिवार वालों को खटक रही होगी ना। अगर उन्होंने इस बात का इशू बना लिया और अगर ये रिश्ता तय होने से पहले ही टूट गया तो क्यों? आई मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन क्या करूं, यही सच्चाई और इसे झुठलाया नहीं जा सकता। आप ही बताइए कोई कब तक झेलेगा ये सब। वैसे भी जयवंत और उसके परिवार वालों ने हमारी अर्जु को उसके अतीत के साथ अपनाया है, ये छोटी बात नहीं आई, ये बहुत बड़ी बात है, और हम उन लोगों से इससे ज्यादा उम्मीद तो नहीं कर सकते ना। एक बात कहूं, सुनने में आपको बहुत ही कड़वी लगेगी, लेकिन एकदम सच है, अर्जु जो कर रही है ना उससे बात और बढ़ रही है। अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे तो अर्जु और जयवंत के रिश्ते का कोई भविष्य दिखाई नहीं दे रहा। आई अगर इस बार ये रिश्ता टूट गया ना तो आप अर्जु की शादी की उम्मीद छोड़ ही दीजिएगा।